बच्चों को घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड होना चाहिए जेल में, ये अथॉरिटी के रूल होते हैं। बच्चों को बच्चे जैसा ट्रीट करना चाहिए। माँ बाप आरोपी है तो उनके बच्चों को भी आरोपी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। बच्चे को जेल में हर एक बेनिफिट्स और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो उसके लिए जरूरी होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ वादे करती है और इन बच्चों को थोड़े बहुत से ही काम चलाना पड़ता है। और इससे भी बदतर हालत है फीमेल कैदियों की, इनको उनके अधिकार मिलते ही नहीं है और इनके अधिकारों का हमेशा से ही हनन होता आया है। भारतीय संविधान और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो जेल रिफॉर्म जैसे स्टेप लाते रहते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स केवल कागजों पर होते हैं। महिलाओं के लिए सेपरेट जेल चाहिए होते हैं, फिर भी उन्हें मर्दों वाले जेल में रखा जाता है। आप इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जेलों को देखो, हर जेल में फीमेल कैदियों को एडजस्ट किया जाता है, और जिन जेलों में उन्हें रखा जाता है ओवर क्राउडेड सिचुएशन होती है। एक जेल में चार चार पांच पांच फीमेल कैदियों को रखा जाता है। मर्दों के साथ होने से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना उनको करना पड़ता है। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, इसकी खबरें आए दिन पेपर में छापती रहती है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब इन महिलाओं के साथ कस्टडियल रेप्स होते हैं। और ये मैं इसे हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, बल्कि 2017 से 2024 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट देखे तो 2017 से 24 तक 275 कस्टडियल रेप्स हुए है। वेस्ट बंगाल के जेलों में 196 बच्चे पैदा हुए है। फाइनली कोर्ट को ऑर्डर देने पड़ते हैं कि मेल स्टाफ को फीमेल प्रिजन में घुसने नहीं दिया जाएगा, और तब जाकर ये न्यूज हाईलाइट होती है। एक और बात है, फीमेल कैदियों की ये तक कंप्लेंट सामने आई है कि इनको जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं वही न्यूज़पेपर पीरियड के समय इन्हें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सैनिटरी पैड भी इन महिलाओं को नसीब नहीं होते हैं।